तो यार स्प्रे उठाऊं जल्दी से, और ये रही बायोडीन। चलो भाई जल्दी यार। तो यार अरे यार ये क्या करा इन दोनों ने यार क्यों यार क्या करा है यार कितना सारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार मैं जो हूँ काम से ही गया हुआ था दोस्तों, फिर भाई की कॉल आई घर से मुझे कि तुम्हारे जो मुर्गियाँ हैं वो आपस में लड़ पड़ी हैं बड़े गंदे तरीके से, आके चेक करो उन्हें क्या हुआ है। तो यार ये नहीं पता था मुझे, मैं समझा हल्की फुल्की, पर ये तो बहुत ज़्यादा शदीद गंदे किस्म की लड़ी हुई है यार। इनके मुँह फटे हुए पूरे यार, मैं दिखा नहीं सकता तुम लोगों को, बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई है इनकी यार। ये वाइट वाली मुर्गी है दोस्तों, दूर से दिखाए तो नहीं, देखें ये देखो पूरा मुंह लाल हो रहा है यार इसका, दूर से दिख रहा है। और एक ये वाली मुर्गी, ये देखो यार इसका मुंह सूज गया पूरा। अरे यार, और यार इन्हें ज़्यादा देर भी नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि ये देखें ना इनका जितना भी निकला है ना यहाँ पे पड़ा हुआ, ये देखें ये सारे का सारा। लेकिन यार अच्छा खासा लड़े हैं यार, ये अच्छे खासे छींटे हैं अंदर तक है यार। अरे यार क्या करा तुम लोगों ने यार, मैं इसका मुंह तुम लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, बाहर निकाल कर ना मैं दिखाता दोस्तों। खैर से यार मैं पायोडीन लेकर आया हूँ फ़ौरन से, सबसे पहले इनका मुंह धोते हैं इससे यार, उसके बाद पायोडीन मारता हूँ और फिर मैं तुम लोगों को अगर हो सका तो दिखाऊँगा, वरना यार जिस तरीके के इनके फेस हो रहे हैं ना मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि तुम लोगों को पता है यार मेरे बार बार लगे जा रही है चैनल के साथ क्या सीन चल रहा है। खैर से यार इनको निकालते हैं, मुंह धोते हैं और इनके जल्दी से वो लगाता हूँ मैं। यार इसका बहुत ज़्यादा मुंह सूज रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो यार बहुत ही ज़्यादा जो बोलते हैं ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके वाली हुई है लड़ाई, यकीन मानो यार। क्योंकि ये देखो यार यहाँ पे सारे निशानात मैंने अभी अभी साफ़ करे हैं, जितना हुआ है ना ये देखो दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तुम्हें, अच्छा खासा था यार अंदर तक था, नीचे मैंने सारा साफ़ करा कपड़े से। और ये वाली मादी जो उसको खोल दिया है, देखो यार उसका यहाँ से ही मुँह वहाँ से हो रहा है, कितना लाल कलर का हो रहा है यार। खैर से यार मैं बाहर गया हुआ था, जब मैं घर आया तो भाई ने बोला कि मैंने उन्हें अलग अलग कर दिया है। तो अब ये बात समझ नहीं आई कि लड़े कैसे। तो दोस्तों सीन ये हुआ है कि ये हमारा ब्राउनी और जो इसकी माँ है ना वो दोनों नीचे थे, पर इसकी माँ जो है ना ये हमारी गलवा मुर्गी जो इससे लड़ी है वो क्या करा उसने, ये देखें इस जगह से खुला हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये जगह खुली भी है यार, मैं अंदर से दिखाऊँ, ये देखो यार ये खुली भी जगह दोस्तों, इधर जाली से क्रॉस करके गई है अंदर। और जो हमारी ये वाली मुर्गी है ना वाइट वाली, इसने क्या करा दोस्तों, इसके साथ ये हुआ, हमारे भी समझ नहीं आता है दोनों आखिर मिले कैसे यहाँ पे। तो ऐसे मिले ये देखो यार, इसने नीचे सुराख हो गया इसकी पूरी ये जाली के अंदर, और इसी वजह से ना यार दोस्तों ये मुर्गी हमारी जो है वो यहाँ से निकल गई होगी, और यहाँ से निकल के वो इसके पास चली गई, और वाली मुर्गी इधर से आ गई। तो दोनों एक ही खाने में काफ़ी देर तक लड़े हैं यार दोस्तों, काफ़ी देर तक, इनकी हालत से पता लग रहा है यार, मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता साफ बात, वरना फेस में तुम लोगों को दिखाना हो तुम लोग बोलोगे क्या हुआ है यार। खैर से यार खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ये सेट हैं अब, और इनका अभी जो है ना मैंने वो कर दिया पूरा। अरे तू कहाँ कहाँ से जाए जा रही हो यार, उधर चलो चलो जाओ उधर। अब इनके पिंजरे यार मुझे समझ नहीं आ रहे क्या हो गया, इनके पिंजरे खुल रहे हैं यार, शुक्र है दिख गई यार मुझे वक्त पे। ये कहाँ से घुसी है यार, ये कहाँ से घुसी, एक मिनट रुको, तुम्हारा पिंजरा कहाँ से खुला हुआ है भाई, यहाँ से खुला है पर यहाँ से अंदर कैसे, अच्छा 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 यार हमारे पिंजरों की ना जालियाँ खराब हो रही हैं उस वजह से घुस रहे हैं। ओ भाई यार आज तो ना मेरा दिमाग आउट हो गया है, क्या हो रहा है यार ये सारी मुर्गियाँ आपस में। खैर से यार मैं बता रहा था कि यार ये सीन हुआ था बस दोस्तों, और अत्थर भाई ने इनको अलग कर दिया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे खैर हो जाता है यार, अक्सर ज़्यादा मुर्गे मुर्गे होते हैं तो आपस में उनके साथ ऐसे सीन हो जाते हैं अक्सर, पर यार केयर हमें ही करनी पड़ेगी। तो भाई अभी जो है हमने बच्चे को भी अलग कर दिया है कि ये गुस्से में कहीं बच्चे पर भी हमला ना कर दे, तो हमारा ब्राउनी हो जख्मी हो सकता है, तो इसलिए हमने केयर करनी है। चलो यार आ जाओ ब्राउनी, जल्दी जल्दी जाओ खाना खाओ तुम। तो यार दोस्तों मैंने जो है इन दोनों को
पायोटीन वगैरह लगा के बिल्कुल सेट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह यार ये चाको चौबन है, चल फिर रहे हैं, ये शुक्र है। बाकी यार एक चीज़, हमारी जो मुर्गियाँ हैं ना दोनों, इनकी टांगों पे अच्छे खासे जख्म बने हुए हैं यार। अच्छे खासे मतलब इनकी ना टांगों पे काफ़ी ज़्यादा जख्म है। तकरीबन मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट तक ना इनका ये सिलसिला चला है, और इस वजह से ना इतने ज़्यादा ज़ख्म है। तो यार दोस्तों मैंने गलवा मादी जो है उसको भी इसके साथ छोड़ दिया है ब्राउनी के, ताकि यार देखूँ तो सही कि ये इसको मार तो नहीं रही है ना, क्योंकि आज ये बहुत गुस्से में होगी, तो इसलिए इसको मैंने इसके साथ अभी बाहर छोड़ा। साइड हो गई तो हम आपसी इसको इसी के साथ यहाँ पे बंद कर देंगे। और बाकी यार मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल दोस्तों कपड़ा लगा दिया है, ताकि यार ये फिर से वहाँ ना चली जाए और इसकी और उसकी जो है फिर से लड़ाई ना हो जाए ख़तरनाक वाली। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी अभी केयर के चक्कर में यही काम करा है कि अभी यार जाली पड़ी भी नहीं है, अगर कुछ पड़ा होता तो मैं लगाया था, पर अभी कोई भी जाली नहीं पड़ी हुई कि मैं इसका इंतजाम कर सकूँ, इसलिए मैंने अभी कपड़ा फिट करा। तो ये लो यार सेफराइट, आज तुम्हारे को ना मैं ये वाला खाना दे रहा हूँ, चावल वगैरह प्याज वगैरह। यार दोस्तों इसको ना मैं ज़्यादातर दाना देता हूँ, क्योंकि ये ना दाना ही खाता था, पर यार मैंने बोला आज ये भी दूँ, खाता तो ये भी है बहुत शौक से। ये लो भाई सेफराइट, ये देखो कितने दिनों बाद यार इसको ये मिला है ना, इसे कैसे खुशी खुशी और कितना ज़्यादा ज़्यादा खा रहा है। तो यार इनकी भी मादियाँ लानी है, और सारे काम अटके हुए थे, और सिर्फ ये 2-3 जो मैं हफ्ते, एक हफ्ता डिले हो गया ना, तो उस वजह से कुछ काम हो गया, ऐसे फंस गया। तो खैर से यार इनकी भी मादियाँ जल्द लेकर आएंगे हम। तो यार मेरे पास एक कमेंट अक्सर आता है कि यार आप कॉकटेल ले आएँ, तो भाई मेरे पास कॉकटेल हैं, ये देखें ये रहे कॉकटेल, और साथ ही साथ इनके बच्चे भी हैं, ये रहे दोनों के दोनों, ये देखें ये मेरी हिली भी है, ये देखें कितने प्यार से आती है यार, ये हिल जाती है अच्छी खासी। पर यार हमसे गलती हो गई, हम इसको मतलब समझे ही नहीं इस बारे में कि यार ये हिल जाती है हमारे से, मतलब हमें काफ़ी लेट समझ आया जब तक ये बड़ी हो गई थी। फिर से यार मैंने इनको खोल दिया था, और जो हमारा किंग है ना उसको मैंने आज अंदर डाला है दाना, देखें अंदर यार बहुत सुकून से खाता है, बाहर खोलता हूँ ना तो बाहर ये चिंचने एक दूसरे से लड़ने के चक्कर में रहते हैं, तो इस वजह से ना मैंने किंग को अंदर डाला है, कभी कभार से अंदर डालता हूँ कभी कभार से बाहर। बाकी यार दोस्तों हमारी जो ये है ना बजेस कॉलोनी, इसका मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि जो बच्चे हैं ना वो यार बाहर नहीं आ रहे, तो मैं बहुत जल्द इंतज़ार में हूँ तुम लोगों को भी दिखाने के कि यार वो जैसे ही बाहर आते हैं तो हम साथ देखेंगे उन्हें कि यार वो कितने बड़े हो गए। खैर से यार बड़े तो काफ़ी हो गए थे, उसी वक्त अच्छे खासे बड़े दिख रहे थे वो, तो अब देखना यार कि उनके पार आए वो बाहर क्यों नहीं आ रहे, पर उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था, अब इतने बड़े वो हो गए होंगे, तो इंशाल्लाह जल्द देखते हैं 1-2 दिन में कि क्या वो बाहर आएंगे या नहीं, देखते मेरे हिसाब से आ जाएंगे। अरे चुप हो जाओ यार, क्या देख लिया तुम लोगों ने यार, पता नहीं किस चीज़ को देख के चीखे जा रहे हैं, कोई चीज़ आई है क्या, ये किधर आई है, मुझे लग रहा है कोई बिल्ला नहीं यार, हाँ तो इस तरफ आया होगा, कोई ना कोई चीज़ होगी बहरहाल जिसके आई होगी, ये बैठा हुआ, ये देखें इसकी ऐसे चीख रहे हैं, कौवा बैठा हुआ, क्या हुआ हुआ इसको, हाँ अरे इसका बाजू उतरा हुआ यार, अल्लाह इसका बाजू उतरा हुआ यार, ये देखो शायद, ये देखें दोस्तों वो वाला, अरे यार इस पर हमला करा है चील ने, कहाँ जा रहा है यार ये, चलो सही है यार बैठे रहने दो, उसको यहाँ पे ही सेफ रहेगा। खैर से यार दोस्तों बाकी जो है ना मैंने ब्राउनी के साथ उसकी माँ को रख दिया है अंदर, तो सेट है वो लड़ नहीं रहे, तो उसकी माँ जो है नहीं मार रही, तो अभी तक तो सेट है, कल तक देखते हैं कि ये अल्लाह ना करे यार ब्राउनी पे भी हमला करे, तो हमें अब ब्राउनी को जल्द अलग करना पड़ेगा। है तो काफ़ी क्या बोलते हैं वो अपनी माँ से अलग होगा, लेकिन जो भी है दोस्तों अब बड़ा हो चुका है, अब अलग हमें लाजमी करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।